तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी जर्मन शेफर्ड्स होते हैं वो सारे ही डबल कोट के होते हैं। जैसा कि ये लड्डू है तो ये भी डबल कोट का है, और ये अप्रैल है ये भी डबल कोट की है। ठीक है, ये दोनों डबल कोटेड जर्मन शेफर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यार जर्मन शेफर्ड्स के अंदर क्या होता है ना, दो टाइप्स के हेयर होते हैं। एक तो जो अंदर की तरफ जो बाल होते हैं वो होते हैं, और जो बाहर की तरफ हेयर्स होते हैं ना वो होते हैं। जैसा कि मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसके अभी अप्रैल शेडिंग कर रही है, स्टे हिलना मत, अभी ये शेडिंग कर रही है। ठीक है, तो ये जो इसका कोट निकल रहा है ना, ये जो निकल रहा है, ये वूली वूली सा जो है कॉटन टाइप का, ये है इसका इनर कोट, देख सकते हो जैसे कि आप। और ये जो इसके बाल है ना, ये जो ऊपर की तरफ ये जो बाल है स्ट्रॉन्ग वाले, ये जो थोड़े कड़क कड़क से हैं, ये क्या होता है, इसका आउटर कोट। ठीक है, तो ये दो कोट हो जाते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोट। समझ रहे हो? अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ए लड्डू इधर कमे। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आखिर हम इनको लॉन्ग मतलब डबल कोट सिंगल कोट बोलते क्यों हैं। क्योंकि यार देखो ना, जैसे नॉलेज नहीं होती ना किसी किसी के पास में, तो उनको लगता है कि डबल कोट मतलब कुछ और ही चीज़ होती है जर्मन शेफर्ड के अंदर। तो मेरे पास कई कॉल्स वगैरह भी आते हैं, तो मुझसे यही पूछते हैं, भैया जर्मन शेफर्ड डबल कोट मिलेगा क्या? मैं डबल कोट पूछता हूँ, अच्छा डबल कोट चाहिए? तो फिर उनको पता नहीं होता है डबल कोट एक्चुअल में होता है क्या, उन्होंने बस नाम सुना है जर्मन शेफर्ड डबल कोट, तो बोल देते जर्मन शेफर्ड डबल कोट दे दो भैया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जर्मन शेफर्ड सिर्फ दो टाइप के कोट्स में होते हैं, एक तो लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर। ठीक है, लड्डू जो है वो लॉन्ग, ए इधर आ, कमे कमे, यार ये उधर चले जाते हैं ना तो मेरे को गुस्सा आता है, इनके पास पता नहीं क्यों जाते हैं ये। मैं एक्चुअली मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मगर ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जो ये हमारे दोनों डॉग्स हैं, तो इन दोनों का कोट स्ट्रक्चर क्या है। देखो लड्डू है ना लॉन्ग कोट है, ठीक है, ये आगे जाके बड़ा ही लॉन्ग कोट बनेगा। आप किसी भी डॉग के टेल से उसको जज कर सकते हो, ठीक है, टेल पे कितने बाल हैं। अगर हाँ उसकी टेल एकदम ऐसी पतली सी है जैसा कि ये स्ट्रीट डॉग की टेल है, ये टेल है, तो वो क्या होगा, शॉर्ट हेयर होगा, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट हेयर। अब यहीं पर आप लड्डू की टेल देखेंगे अगर, और अप्रैल की देखेंगे, तो ये लॉन्ग है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग हेयर। अब हाँ इसमें कई चीज़ें वैरी करती है, जैसा कि आप कई फोटोज़ वगैरह में देखते होंगे कि जो डॉग्स होते हैं ना उनके बाल बड़े ही बड़े बड़े से होते हैं, दाढ़ी के बिल्कुल ऐसा बाल आते हैं उनके लंबे, और पेट के यहाँ से टांगों पे से बहुत बाल गिरते हैं, तो उनको भी हम लॉन्ग कोट ही बोलेंगे। और ये जो लड्डू टाइप के जो बाल होते हैं ना, इनको भी हम लॉन्ग कोट ही बोलेंगे, क्योंकि ये इंडियन वेदर के हिसाब से ढले हुए हैं, तो ये इंडिया में हम इनको लॉन्ग कोट ही बोलते हैं। जो शॉर्ट कोट के होते हैं उनके बाल बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, मतलब जैसा आप इस स्ट्रीट डॉग के, ये जो स्ट्रीट डॉग है इसके बाल देख रहे हैं, वैसे कुछ होते हैं। ये देखो भैया अटैक कर दिया, कमें लो इधर आओ लो, अटैक कुछ करेगी नहीं, बस ये थोड़ा सा डरा देती है जाके। तो स्ट्रीट डॉग के जो देखे आपने हेयर्स, वो वैसे उन डॉग्स को कहते हैं सिंगल कोट। कई जर्मन शेफर्ड्स आप देखते होंगे, मतलब शॉर्ट कोट, अब मेरी भी आदत यही हो चुकी है सिंगल कोट बोलने की, वैसे वो सिंगल कोट ही है। जो स्ट्रीट डॉग होता है वो सिंगल कोट ही होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, कोई ऐसा इनर वूली कोट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से बना है ना, तो उनको गर्म रखने के लिए कोई कोट भगवान ने बना के नहीं भेजा, तो उनके लिए सिर्फ एक ही कोट भेजा है, और उसको हम कहते हैं सिंगल कोट। ठीक है, अब कई बार स्ट्रीट डॉग्स के अंदर भी क्या होता है ना, कोई डॉग्स लॉन्ग हेयर के भी आ जाते हैं, और वो डबल कोट भी आ जाता है कोई, क्यों? क्योंकि यार स्ट्रीट डॉग एक अपने आप में एक मिक्स ब्रीड है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डॉग्स अलग अलग मिक्स होते हैं, और फिर ये स्ट्रीट डॉग्स की एक उत्पत्ति होती है, बनते हैं ये, तो वो अलग चीज़ है, वो टॉपिक अलग है। तो मैं बताता हूँ इन दोनों कोट्स का क्या काम होता है। ये जो आउटर कोट होता है ना, ये आपको ना बारिश, नमी, गर्मी, इन सारी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, जैसा अभी मैं इस लड्डू के ऊपर पानी का एक मग डाल दूंगा ना, तो पानी बताएं बह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर से बह जाएगा। तो ये सारा काम होता है आउटर कोट का। और जो इनर कोट का काम होता है वो होता है शरीर को गर्म रखना, आइसोलेटेड रखना, नहीं इंसुलेटेड रखना। तो ये सारे काम इनर कोट करता है। ठीक है, इनर कोट सर्दियों में बहुत काम में आता है डॉग्स के लिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही ठंडा पड़ता है, तो इसलिए क्या होता है ना, इनके जो अंदर की लेयर होती है ना इनर कोट की, वो काफ़ी मोटी हो जाती है, और उससे इनको सर्दी थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ये जो डॉग है ये है ही बाहर की ब्रीड। ठीक है, तो ये जेनेटिकली ऐसी बनी हुई है कि इनके पास दो कोट होते हैं। ले इधर आओ
अप्रैल तो बड़ा ही वो होने लग जाती है, जैसा अभी गर्मी है तो अप्रैल अपना इनर कोट अभी शेड कर रही है, तो अप्रैल इतनी पतली हो चुकी है ना, इसकी लेयर लगभग लगभग भी नहीं तो हाफ इंच आ जाती है अंदर। मतलब हाफ इंच आप सोच लो कितने होते हैं, इतने मोटे इसके अंदर के लेयर्स होती है हेयर्स की, ठीक है। तो अप्रैल भी अपने आप में एक लॉन्ग कोट ही है, ठीक है। आप अप्रैल की कई पुरानी ले लड्डू का में लड्डू इधर आ, ये देखो कहना नहीं मानता ना तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्या होता है सिंगल कोट डबल कोट लॉन्ग कोट, ठीक है। ये गया है यहाँ से कुत्ता, ये सिंगल कोट का है। स्ट्रीट डॉग सारे मोस्टली सिंगल कोट्स होते हैं क्योंकि आप देखोगे ना बिल्कुल एकदम सीधे होते हैं वो, ठीक है। उनके अंदर लड्डो देखो, अब की बार सुना है यार, अब की बार सुना है इसने, आ गया वापस, तो समझ रहे हो गाइस। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती है सिंगल कोट और लॉन्ग कोट की डॉग्स के अंदर। लॉन्ग कोट जो होता है वो लॉन्ग हेयर वाला होता है इन दी एंड, और सिंगल कोट जो बोलते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हेयर लेंथ वाला। तो कोई भी आपको बताया ना कि डबल कोट जर्मन शेफर्ड चाहिए, तो अगर वो हेयर के बेसिस पे डबल कोट बोल रहे हैं तो आप उनको प्लीज़ करेक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो, आप समझा सकते हो कि भाई सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी नहीं होता, वो लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर ही होते हैं, ठीक है। लड्डू भी लॉन्ग हेयर है, अप्रैल भी लॉन्ग हेयर है, ठीक है। बट अगर यहीं पर ही इनके बाल बिल्कुल 1 इंच जितने होते हैं तो ये शॉर्ट हेयर हो जाते, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से हम जज करते हैं, दोनों कोट्स का काम बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। और अभी भी आप लोगों को अगर इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, और आप और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।